kids, this is Oni Chobin Putra from Akshara School. Today we will be learning of chapter 9, Our House from ELME textbook. So today we will be learning of chapter 9, Our House. Our House ka matlab kya hota hai? Hamara ghar. Right. So now see the chapter. Our House gives us comfort and peace. हमारा जो घर है वो हमें क्या देता है? आराम देता है और शांति. Comfort मतलब आराम करना, rest करना. और peace मतलब शांति. Houses are of many types. House के बहुत सारे types के होते हैं. बहुत अलग-अलग types के houses होते हैं. Some are big and some are small houses. कोई houses कैसे होते हैं? बड़े-बड़े होते हैं. कोई houses छोटे-छोटे होते हैं. There are kachcha house and pakka house. हम यहाँ पे कौन सी बात करेंगे? Kachcha house और pakka house की बात करेंगे. All the houses have walls, roofs, doors, windows and floors. सारे houses में क्या होता है? Walls होती है, roofs होता है, doors होते हैं, windows होते हैं and floors होते हैं. कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रो एंड वुड. कच्चा हाउसेस जो होते हैं वो किससे बनते हैं? मड, स्ट्रो एंड वुड. पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, आयरन एंड स्टील. जो पक्का हाउस होता है वो किससे बनता है बेटा? ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, आयरन एंड स्टील. देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है ये जो कच्चा हाउस होता है वो और पक्का हाउस. कच्चा हाउस देखो किससे बना है? मड, स्ट्रो एंड वुड. एंड उसके बाजू में कौन सा हाउस है? पक्का हाउस. वो किससे बना हुआ होता है? ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, वुड, आयरन एंड स्टील. देयर आर मेनी रूम्स इन ए सिटी हाउस. जो भी सिटी में हाउस होता है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. रूम्स मतलब कमरे. डिफरेंट रूम्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. हर कोई रूम जो होता है वो अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है. नाउ सी, वी टेक रेस्ट एंड स्लीप हियर. हम जहाँ पे सोते और रेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है? बेडरूम. वी एंटरटेन आवर गेस्ट हियर. हमारे जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उसको हम कहाँ पे एंटरटेन करते हैं? उसके साथ हंसी मजाक कहाँ पे करते हैं? लिविंग रूम में. वी कुक फूड हियर. हम जो खाना बनाते हैं वो किचन. वी वॉश एंड टेक बाथ हियर. जब हम नहा पे वॉश करते हैं और अपन नहाते हैं वो कौन सा होता है? बाथरूम. वी स्टडी हियर. जहाँ पे हम पढ़ते हैं, स्टडी रूम. We eat our meals here. हम कहाँ पे खाना खाते हैं? Dining room में, right? Our house should be airy and sunny. हमारा house कैसा होना चाहिए? हवा वाला होना चाहिए. हवा जहाँ से आ सके और sunny मतलब जहाँ से प्रकाश आ सकते. The windows of our house should let in sunlight and fresh air. जो हमारी window है वहाँ से क्या आ सकती है? सनलाइट एंड फ्रेश एयर आ सकती है. सनलाइट आएगी तो क्या होगा? सनी वाला. और फ्रेश एयर आएगी तो एरी. मतलब हमारे जो भी घर है वो कैसा होना चाहिए? विंडोज वाला होना चाहिए जहाँ से हमें सनलाइट और फ्रेश एयर मिले, राइट? सो नाउ बेटा किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? सो नाउ बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.